चुके बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे पीटीआई चेयरमैन इमरान खान से। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात, सियासी सूरत हाल और मौजूदा हालात पर तबादला ख्याल किया गया है। वज़ीर आला ने असेंबली तहलील करने के इमरान खान के फैसले का एक बार फिर हिमायत कर दी। मजीद मियां असलम। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही, मोनस इलाही और हसैन इलाही जमान पार्क पहुँचे और इमरान खान की खैरियत दरियाफ्त की। मुलाकात में सूबे के इंतजामी मामलात और पंजाब असेंबली के रूल्स ऑफ प्रोसीजर पर बातचीत हुई। इमरान खान ने बताया पार्लिमानी पार्टी का इजलास जुमा को बुलाया है। पंजाब असेंबली के मुस्तकबिल पर हतमी मशावरत होगी। चोरों के टोले ने मुईशत तबाह कर दी। चौधरी परवेज इलाही ने एक बार फिर वाजे किया इमरान खान के कहने पर पंजाब असेंबली तहलील करने में रत्ती भर तखीर नहीं होगी। अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद लाने का शौक पूरा कर ले, उनको पहले की तरह मार ही पड़ेगी। ये तहरीक अदम एतमाद का शोशा तो छोड़ सकते हैं लेकिन इनके पास मेंबर्स ही पूरे नहीं। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में परवेज खटक ने कहा इमरान खान और परवेज इलाही एक पेज पर हैं। देखिए फैसला वही होगा जो इमरान खान कहता है और उसी पर अमल होगा। चौधरी और हम सब एक हैं और खान साहब हमारे सबके लीडर हैं। मुलाकात के बाद मोनस इलाही ने अपनी ट्वीट में कहा इमरान खान जब चाहें असेंबली तहलील हो जाएगी। पंजाब असेंबली क्या इमरान खान के लिए जान भी हाजिर है। मियां असलम, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर।